हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट लाइफ विद सुमन। दिस इज़ माय फर्स्ट लेसन एंड सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इफ़ यू डजंट सी माय इंट्रोडक्शन वीडियो देन प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगी एंड यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर ऑल्सो। ओके एंड चलिए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि हमारा जो फर्स्ट लेसन रहेगा वो दैट इज़ लाइन ड्राइंग। ओके, तो हम आज का लेसन जो है स्टार्ट करते हैं लाइन ड्राइंग से। ओके, तो दैट इज़ लाइन ड्राइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई लाइन ड्राइंग इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी ये स्टार्टिंग के प्रैक्टिस में लाइन ड्राइंग? बिकॉज आपको अगर एक फ्लुएंसी चाहिए, एक फ्लो चाहिए आपको अगर अपने आर्ट वर्क में, देन यू हैव टू मस्ट प्रैक्टिस विथ लाइन ड्राइंग। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ना सिर्फ लाइन ड्राइंग से रिलेटेड स्टार्टिंग में जो भी मैं लेसन्स बताऊँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और अगर आपको फ्लुएंसी लानी है तो, अदरवाइज़ तो अगर आपको फ्लुएंसी नहीं लानी है तो इट्स नॉट अ बिग इशू। बट आई नो एवरी आर्टिस्ट वॉन्ट टू अ फ्लुएंसी इन हर और इन हिज ओन वर्क, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि कुछ लोग होते हैं ना कि इस तरह से ड्रॉ करते हैं, लाइक ये रुक रुक के। एंड कुछ लोग होते हैं अगर धीरे भी स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइक उनकी लाइंस जो होती है एकदम धीरे धीरे डर डर के स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, ये रॉन्ग वे होता है। इसमें इस तरह से प्रैक्टिस हमको नहीं करनी है। प्रैक्टिस इज दैट कि हमको एक फ्लो में लाना है अपने लाइंस को, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, कर्व लाइन हो, स्टैंडिंग लाइन कोई भी हो, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, एनी वन लाइन जो भी मैं आपको अभी बताऊँगी, तो आपको उसको फ्लो में करना है। ओके, फ्लो लाइक दिस, इस टाइप से, इस तरह से आपको जो है प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, आप टेढ़ा ही खींचो, मतलब अगर टेढ़ा ही खींच रहा है तो कोई बात नहीं, बट एक आपका फ्लो में होना चाहिए। ओके, फ्लुएंसी इज़ वेरी मस्ट। ओके, देन ये है, हो गया अप टू डाउन एंड ओके डाउन टू अप करते हैं लाइक दैट। ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है। डाउन टू अप में क्या होता है ना कि स्ट्रेट लाइन आसानी से नहीं बनता है, बट क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। ओके, तो ये क्या है, अप टू डाउन। देन अगर हम स्लीपिंग लाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट की ओर लाइक दैट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्रैक्टिस है। देन लेफ्ट टू राइट, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लिए और आप आसानी से इसके फ्लो को जान लिए कि किस तरह से हमको फ्लो करना है, कोई भी मूवमेंट है किस तरह से करना है। अगर आपको स्लैंटिंग लाइन करना है तो अप टू डाउन में अगर कर रहे हैं लाइक दैट, इस तरीके से, ओके, देन डाउन टू अप, ये आपकी फ्लो होनी चाहिए कहीं भी। ओके, अगेन जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर में कई लोग क्या होता है कि इस टाइप से ऐसे करके खींच दिए, ठीक है, बट क्या होता है कि ये परफेक्ट नहीं बनता है। परफेक्ट अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस, इन दिस वे। आपको इस वे में प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसे क्या होगी कि आपकी रुक रुक के भी नहीं करना है, एक लाइन खींचा यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ, वैसे ही रेक्टेंगल में भी इस तरीके से नहीं करना है। कई लोगों की एक्यूरेसी आ जाती है, बट मोस्टली क्या होता है कि इस टाइप में एक्यूरेसी नहीं आती है, तो यू हैव टू मस्ट कि आपको रेक्टेंगल भी अगर बनाना है तो दिस वे में। ओके, देन अगर ट्राइंगल है इसमें भी आप कई तरह कई एंगल से आप ले सकते हो, अपवर्ड डाउनवर्ड। ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम वो चाहिए कि एकदम ट्राइंगल ही बनाना है, आपको बस फ्लो चाहिए, स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करना है हर वे में। पैरेललोग्राम हो गया, ओके, देन सेमी सर्कल भी है, इसको भी आप, ये डाउनवर्ड है देन अपवर्ड में भी कर सकते हो, सॉरी, देन इस वे में फ्लुएंसी के साथ आप, ओके, ये सारे इस टाइप के हो गए। एंड देन
आते हैं, कम टू द सर्कल। सर्कल में क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको स्लो स्लो लेना है एंड देन डार्क। आपको इसकी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहनी है। इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ बट आप आराम आराम से करना बिकॉज मेरी तो प्रैक्टिस है। लाइक दैट, ओके, दिस इज क्लॉक वाइज। इसको भी आप एंटी क्लॉक वाइज में भी करोगे, ओके, एंटी क्लॉक वाइज में भी लाइक दैट। फ्लुएंसी जब तक नहीं आ जाती तब तक आपको करते रहना है, इसको एक के ऊपर एक चलाते रहो इस तरह से। तो क्या होगा, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। देन वो लेते हैं, ओवल शेप लेते हैं अगर, लाइक दैट। इसको भी अपोजिट डायरेक्शन, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों में भी इस वे में लेते हैं, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज ऑल्सो, ओके। देन स्लैंटिंग वे में इस तरह से, एंड देन इस तरह से, देन इस तरह से भी ले सकते हो आप। ये सारे को आपको जो है प्रैक्टिस करना है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज अगर है जो उसको क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज में, देन जो डायरेक्शंस में है उसको जितने डायरेक्शंस में आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस उतने डायरेक्शन में आप प्रैक्टिस करो। इट इज़ वेरी मस्ट। एंड क्या होता है कि इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया और फिर बस हो गया मेरा काम ख़त्म। नो, आपको डेली प्रैक्टिस में लाना है। एंड एटलीस्ट हर एक को आपको 60 टाइम तो करना ही चाहिए या फिर 50-60 टाइम्स तो आपको इसका प्रैक्टिस करनी ही चाहिए ईच वन, ओके। आप एक को ले लो और आप प्रैक्टिस करते रहो। आप जैसे सर्कल कर रहे हो, आपकी अगर वो है तो आप 50 टाइम 40 टाइम 60 टाइम्स आप इसको करते रहो। आप अपने अपने फिंगर का, अपने जो हैंड का है वो बैलेंस, अपने पेंसिल के साथ बैलेंस बनाओ आप। बिकॉज आप जब बनाओगे अपना बैलेंस तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपके अंदर से खुद ही आपको फील होगा कि यस, मैंने कुछ अच्छा किया है और मेरा वर्क अच्छा हो रहा है, ओके। कई लोग क्या होता है, ये प्रैक्टिस भी करते हैं वेव, ओके, वेव में भी आप कर सकते हो। देन आप इस तरह से स्टैंडिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइक दैट। कई लोग इस तरह से भी करते हैं, इसमें भी आपको इक्वल फ्लो, आपको इक्वल बराबर करने की कोशिश करना है। कोई बड़ा, कोई इस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से नहीं, लेकिन हाँ आप करो। बट क्या है कि एक फ्लो में करोगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज ज़िगज़ैग भी करते हैं कई लोग, है ना। इसमें भी आप स्टैंडिंग में भी, स्टैंडिंग वे में भी इस तरह से कर सकते हो। और उसके बाद क्या आता है, एक मेरा आपको बता दूं कि एक मेरा जो है फेवरेट वे है प्रैक्टिस करने का, वो क्या होता है कि उसमें मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ। और शायद मैंने किसी को उस टाइप का प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा है पर्सनली, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। और आप समझ लो तो मैं एवरी टाइम उसका प्रैक्टिस करते रहती हूँ बिकॉज आई लाइक इट सो मच। मुझे बहुत पसंद आते हैं वो सारे जो फ्लो होते हैं उसके, तो उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बताऊँगी आपको, थोड़ी देर वेट कीजिए। एंड देन अभी क्या है, आप इसमें भी ले सकते हो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, ओके, इस तरह से। इसकी ना बहुत अच्छी मूवमेंट जो होती है ना, फिंगर की बहुत अच्छी मूवमेंट होती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज लगती है मुझे ये वाली। एंड देन आप इस साइड से भी कर सकते हो, ओके, डाउन में भी, अप में भी, ओके। लेट अस कम टू माई फेवरेट पोर्शन, ओके। माई फेवरेट पोर्शन इज दैट कि ये दिस इज़ माई फेवरेट। इसको मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड
प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो रहा है कि मैं बुक में प्रैक्टिस कर देती हूँ, बुक में भी, बुक्स अगर रीड कर रही हूँ देन वहाँ भी मेरी प्रैक्टिस हो जाती है उसमें। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि बाद में मुझे पता चलता है कि वो बुक में मैंने पेंसिल से नहीं पेन से कर दिया, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बट आपको ऐसा काम नहीं करना है, डेफिनेटली नॉट। एंड इसमें इसको मैं अलग अलग एंगल्स में भी, जैसे कि अगर मुझे इस शेप्स में देना है, इसको इस शेप में देने के लिए मुझे इसमें आप अलग अलग शेप्स में कर सकते हो। डाउनवर्ड शेप में अगर देना है मुझे, बहुत ही ज़्यादा मुझे फेवरेट लगती है ये मेरी। एंड शॉर्ट में भी कई लोग करते हैं, कई लोग का पता नहीं, लेकिन मैं करती हूँ शॉर्ट में इस तरह से, देन इस तरह से। ये क्या होता है कि बहुत अच्छी वे है प्रैक्टिस के लिए, मुझे पर्सनली सच में बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ शायद, बट क्या करूँ, मुझे सच में बहुत पसंद है, मैं एवरी टाइम प्रैक्टिस करती रहती हूँ इसकी। एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ओके, फॉर करेंट अपडेट, बिकॉज आपके पास जल्दी से जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप आराम से मेरी वीडियो देख सकते हो, और आपको जब फ्री टाइम मिले और आप तब प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक, थोड़ा सा भी लाइक अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।